वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग्स। तो हम लोग आज जा रहे हैं नागी डैम। तो हमारे साथ हैं साहिल, साहिल जी, चंदन जी, चंदन जी, और ये हमारे गोलू बाबा इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर। और भी हमारे साथ है एक नीतीश जी और सुभाष जी। कुछ बोलना चाहेंगे सर? सर आप लोग आइए यहाँ पे, बहुत मजा आएगा आपको। नागी डैम में बहुत अच्छा प्लेस है, घूम सकते हैं आप लोग, एंजॉय कीजिए, फुल्ली मस्ती कीजिए। तो हेलो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं नागी डैम। ये रहा नागी डैम का गेट, पहाड़ी है ये, पूरा का पूरा पहाड़ है नागी डैम में। यहाँ पे बहुत सारे आपको कछुआ, चिड़िए, मगरमच्छ, डॉल्फिन, ये सब कुछ भी नहीं दिखेगा। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं नागी डैम। जैसे कि देख सकते हैं हमारे साथ है नीतीश जी, और ये रहे नागी डैम का नज़ारा। ये हमारा नागी डैम का नज़ारा है। तो हमारे साथ आ चुके हैं नीतीश जी हैं, जो फोटो शूट करने में व्यस्त हो गए हैं यहीं से। ये है नागी डैम का नज़ारा। यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये हमारा नागी डैम, देख सकते हैं हमारा रास्ता है नागी डैम का। आ रहे हैं गेट मिलेगा इधर, पार्किंग के लिए यहाँ बनाया गया है जगह, जस्ट नागी डैम के गेट के बगल में ये पार्किंग है हमारा। हेलो गाइस, ये है नागी डैम। के लोगों से बात करते हैं, वो बता बोलिए बोलिए आरो जी बोलिए बोलिए ना। हाँ बोलिए। तो बता सकते हैं नागी डैम में हमारे लिए क्या स्पेशल है? स्पेशल मेरी तो फिलहाल कुछ मैंने नहीं है, मैंने विशेषता मैंने घूमने का है, बैठने का है, खाने पीने का है। तो जैसे कि हम लोग अगर घूमने आते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, क्या चीज़? पक्षी मिलेगा उधर, डैम तरफ जाइएगा तो पक्षी मिलेगा। अच्छा, डैम के तरफ पक्षी है, मतलब किस टाइप के, कौन कौन से पक्षी? बहुत सारे विदेशी पक्षी है, सारे विदेशी पक्षी है ना, विदेशी विदेश से अपने आता है। अच्छा, नौका विहार मिलेगा घूमने के लिए, विहार मिलेगा आपको घूमने के लिए, उसका 50 रुपया टिकट है। अच्छा, एंट्री फीस 5 रुपया है, एंट्री फीस 5 रुपया। टाइमिंग क्या होगा? मतलब 6 घंटा है टाइमिंग, 6 घंटा स्टार्टिंग सुबह मैंने 8 बजे आइए, 8 बजे से शुरू, 8 बजे से शुरू, शाम को 9 बजे से 8 बजे आइएगा तो चलेगा, 9 बजे आइएगा तो चलेगा, और रात शाम तक 4:30 बजे तक एंट्री है जी। उसके बाद मैंने आउट तो करना ही है। अच्छा, 4:30 बजे तक एंट्री है, उसके बाद आउट करना है, आउट निकाल, मतलब आउटिंग टाइमिंग तो होगा कुछ, फिर भी आउटिंग टाइम मैंने 5 बजे तक रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, मैंने 5 बजे तक, अगर 5:10 भी हो गया तो आउट तो करना ही है, जो इन हुआ तो आउट तो करना ही है। अच्छा, जैसे कि अगर कोई बाहर से आना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ का एड्रेस बता सकते हैं कि क्या है? नागी डैम नहीं, नागी डैम मतलब कहाँ पर पड़ता है? अगर बाहर से कोई आना चाहते हैं, बिहार से बाहर, बिहार तो जैसे बोलना, झाझा थाना के अंतर्गत पड़ता है, जमुई जिला। जी, पूरा एड्रेस एक बार बता देते तो। झाझा थाना के अंतर्गत नागी डैम जी, जमुई जिला, जमुई है, झाझा थाना के अंतर्गत है, नागी नक्की दोनों डैम। अच्छा, बिहार में पड़ता है। धन्यवाद। जैसे कि देख सकते हैं हम लोगों ने पूछा यहाँ के लोगों से, तो यहाँ पे बताया गया कि आप यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले
झाझा स्टेशन आना पड़ेगा। ये बिहार के जमुई ज़िले में झाझा में पड़ती है। तो यहाँ पे आपको आने के लिए सबसे पहले जमुई स्टेशन से आना पड़ेगा या फिर झाझा स्टेशन आ जाइए। फिर झाझा से आपको यहाँ पे ऑटो या फिर खुद के बाइक से नागी डैम आ सकते हैं। तो ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये रहा हमारा शुरुआत। ये गेट है और ये हमारा शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको विदेश के बहुत सारे पक्षी दिखेंगे। ये हमारा डैम है तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से एंट्री पॉइंट है। हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर। जैसे कि आपको यहाँ पे ये सारे पक्षी मिलेंगे, देख सकते हैं बोर्ड डाला हुआ है। अगर पक्षी देखना है तो आप इसी मौसम में आइए, ठंड के टाइम में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, नीतीश जी फोटो शूट करवा रहे हैं। हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग चिकन बना रहे हैं और चावल। इधर में बोटी है, उधर में चिकन है, उगा के दिखा दो। तो आप लोग कहाँ, जैसे कि आप लोग कहाँ से आए? हम लोग चाय से आए, झाझा चाय तरफ से। हाँ। जो सोनो के बगल में। हाँ। तो चाय तो आगे है। हाँ, आप लोग चाय। गाइस चलते हैं पीछे की तरफ से, आगे की ओर जा रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं पीछे का सारा नज़ारा हमने आपको दिखा दिया है, अब हम आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं।
आई है। कौन सा चैनल है? हिप हिप हुर्रे। चलिए चलिए चलिए, मेरा किस्मत खराब। चलिए चलिए चलिए, वहाँ जाके गिर जाएंगे नीचे। नहीं गिरिएगा, चढ़िए ना। तो ये बंदर लोग यहाँ चढ़ चुके हैं। नहीं मतलब दोस्त लोग। बंदर से कम ही। बंदर यहाँ पे आया है, तोड़ने के विचार में लगे हुए। फोकस होने काम कर रहे बंदर लोग।